नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों जैसे कि जानते हो कि जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तो कहीं का भी सफर हो सबसे ज्यादा मुश्किल काम हो गया है सफर का, क्योंकि ट्रेनें बंद, बस बंद, टैक्सी बंद, रिक्शा बंद, हर चीज बंद था। लेकिन अभी आस्ते आस्ते करके हर चीजें जो है चालू हो रही है, लेकिन ट्रेन जो है अभी तक नहीं चालू हुई है। इसी चीज को लेके जो रेती बंदर जो फारसिक सर्कल है वहां से एक बस जाती है घाटकोपर के लिए, तो वहां जो है काफी सारे मुमरा के लोग जो है वहां लाइन लगाते हैं, कलवा के लोग लाइन लगाते हैं, खारे गांव के लोग लगाते हैं, वहां क्राउड हो जाता है, वहां लोगों की तादाद ज्यादा हो जाती है। और बस का जो है टाइम ये कोई फिक्स नहीं है, कभी दो घंटा कभी तीन घंटे में आती है। लोगों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत तकलीफ का सामना जो करना पड़ रहा है। इसी चीज को लेके जब हमारे के एनसीपी के नेता जो शमीम खान है, उन्होंने आज इस मुद्दे को लेके जो है इस चीज को लेके कुछ मुद्दा भी उठाया और ये जो है मुद्दा बहरहाल सफल हुआ। अभी जो है बस का जो सेवा है वो भारत गेट से टीएमटी की बस जो है चलेगी भारत गेट से लेके मुलुंड चेक नाके तक। कल से, आज 19 तारीख है, कल 20 तारीख से मुलुंड चेक नाके से लेके भारत गेट जो कंपनी है वहां से ये बस चलेगी। और इसके जो राउंड होंगे वो 16 बार वो राउंड करेगी, 16 ट्रिप वो मारेगी, 16 ट्रिप यहां से, 16 ट्रिप मुलुंड चेक नाके से। इसकी जो पहली बस है कुछ 6:30 बजे के आसपास में मुलुंड यहां से भारत गेट से है, और जो आखिरी बस वहां से होगी मुलुंड चेक नाके से वो 8:30 बजे तक होगी। तो ये जो सेवा जो चालू की गई है ये इन तकलीफों को देख के चालू की गई है। बहरहाल जो है इसमें जो टीएमसी के जो अधिकारी है वो लोग भी आए और इसके बारे में जो है उनके पास ये मसला रखा गया, उन्होंने देखा, सर्वे किया और इस चीज को आनन-फानन में जो है ये फैसला किया गया कि अभी ट्रेनें बंद है तो बस का सेवा जो है ये चालू किया जाए। तो बहरहाल कल 20 तारीख है, कल 20 तारीख से जो है भारत गेट से लेके मुलुंड चेक नाके तक बस चलेगी। उसके आगे बॉम्बे की बस बहुत सारी मिल जाती है, लोगों को सुविधाएं मिल जाती है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। और इस बारे में जो है हमारे जो टीएमसी के अधिकारी है उन्होंने क्या कहा और जो एनसीपी नेता है शमीम खान ने क्या कहा, किस तरीके से उन्होंने मतलब इस चीज को मुद्दा रखा है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। आइए सुनिए कि क्या कह रहे हैं शमीम खान और जो अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए उनके जबानी से और किस तरीके से ये सेवा जो है ये मुमरा कौसा के लिए बहुत खुशी की बात है कि लोगों को सहूलियत मिलेगी। ट्रेन बंद होने की वजह से लोगों को बहुत तकलीफ होती है, वो तकलीफ दूर हो जाएगी। और उसके साथ ये अभी मैं इधर स्पॉट में ही खड़ा हूँ रेती बंदर के, इधर लोगों की रश आवर में भीड़ रहती है। तो हम लोग कल से सुबह ये करके मतलब ऑब्जर्वेशन करके प्राइमरी बेसिस पे 4 बसेस सुबह और 4 बसेस 4 यानी कि टोटल 16 राउंड ट्रांसपोर्ट परिवहन का चालू कर रहे हैं मुलुंड चेक नाके तक। सर ये कहाँ से आप मतलब व्यवस्था शुरू करवा के देंगे मुमरा कौसा के लोगों के लिए? भारत गियर से ये बसेस फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट भारत गियर से रहेगी जी, और उसके बाद में थ्रू रेती बंदर कोपट होके वो मुलुंड चेक नाका एंड पॉइंट रहेगा, उधर से BST की बसेस वो कनेक्टेड रहेगी जी। ये परिवहन समिति के हमारे यहाँ के मुमरा कौसा के सदस्य हैं शमीम खान, तो क्या इन्होंने इसमें जो है फॉलोअप लिया है, आप तक क्या इस पर मुद्दा रखा था? हाँ, सुबह हमारी बातचीत हुई, शमीम खान साहब आए थे हमारे परिवहन समिति के सदस्य जी और उनके तहत हम लोग ने यह मुआयना किया, माननीय आयुक्त साहब ने भी इंस्ट्रक्शन दिए थे, इसके तहत आज ऑब्जर्वेशन करके हम लोग ने ये निर्णय लिया। थैंक यू सर। शमीम भाई, आज थाने मनपा के परिवहन समिति की सभा थी और मुमरा कौसा के लोगों की शिकायत है कि TMT की बसें जो है मुमरा में रुक नहीं रही है। आपने हमारी न्यूज़ भी देखी होगी और उस पर हमने आपको जो है लोगों की प्रतिक्रियाएं पर्सनल हमने आपको बताई भी थी। माननीय ये अपने मंत्री जी जो है जितेंद्र अवाड़, उनको भी हमने ये बात बताई थी। तो आज सभा में इस मुद्दे पर क्या बात हुई और क्या निर्णय लिए गए? आज की हमारी सुबह 11 बजे की मीटिंग जो प्रस्तापक जी के साथ में थी, हमारे माननीय हमारे नेता मिस्टर जितेंद्र अवाड़ साहब के आदेश अनुसार आज मैं हमारे परिवहन के साथी नितिन पाटिल, मोहसिन शेख और प्रकाश पाटिल और हमारे प्रस्तापक जी, हम लोग आज उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, जिसमें कई सारे इश्यूज पे रखी कामदार साहब। इसमें सबसे बड़ा इश्यूज जो मैंने देखा, बार बार हम इसको नोट करते थे कि हम यहाँ आते हैं रेती बंदर की तरफ तो मालूम पड़ता है कि यहाँ 150 लोगों की लाइन खड़ी है, कतारे में लोग खड़े हुए हैं और इस तरीके से शहर की जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर के आज मैंने ये लेटर भी दिया प्रस्तापक जी को और मैंने उनको दौरा करने के लिए रिक्वेस्ट किया, हम लोगों ने किया। तो आज प्रस्तापक जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने दौरा करके गए और उन्होंने आज ही मैंने जो आवाज़ उठाई थी आज की हमारी इन बातों को समझते हुए गंभीरता से लेते हुए प्रस्तापक जी खुद आए थे
और आकर के उन्होंने हमें ये ऑर्डर दे दिया है और ये बता दिया है कि हमारी सबसे पहले मांग ये थी कि भारत गेट से लेकर के मुंबई तक बस चलाई जाए, क्योंकि मुंब्रा के लोग यहाँ रेती बंदर आते थे। रेती बंदर आने के बाद उनको बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। आप समझ सकते हैं कि महामारी में आज ट्रेनें बंद है, लोकल ट्रेनें बंद है, लोगों को दिक्कतें पैदा होती थी। इसके लिए हमने मांग किया कि भारत गेट से लेकर के मुंबई तक बस चलाई जाए, लेकिन जो TMT की बस है वो मुंबई नहीं जा सकती, उसका हद मुलुन है। तो चार बसेस हमको, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्रस्तावक जी का कि वो आज आए और उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया। उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि चार बसेस हमको वो दे रहे हैं, 16 चक्कर मारेगी ये बसेस भारत गेर टू मुलुन चकनाका। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, और मैं ये लेटर भी आपको दूंगा जिससे आपके माध्यम से लोगों को डिटेल बता सकें। इसमें भारत गेयर से मुलुन चकनाका मार्ग क्रमांक 71 24 बस से यांचा, इसमें सुबह 6:35 की पहली बस होगी जो भारत गेयर कंपनी से स्टार्ट होगी और वो मुलुन चकनाका पहुंचेगी, और लास्ट बस जो यहां से जाएगी मुलुन के लिए उसका टाइमिंग है 9:35, और जो बस यानी सुबह 6:35 से रात 9:35 तक ये बस सर्विस जाने के लिए होगी। सर जाने की होगी सर जी, आने की मुलुन चकनाके से भारत गेयर तक पहली बस 7:45 मॉर्निंग का सर 8:20 है जी, माफ कीजिए सॉरी 8:20 का टाइमिंग है लास्ट। तो ये जो बसेज है ये चार बसेज है और इसकी 16 ट्रिप होगी। शमीम भाई एक सवाल लेकिन बनता है, पिछले 2.5-3 महीने से लोग जो है लोकल ट्रेन बंद होने की वजह से अनलॉक मिशन बिगिन अगेन की जो प्रक्रिया चली है उसमें कामकाज शुरू हुए, तो उसमें बसों का ही एक चारा था उनके पास जाने के लिए, तो इतनी देरी क्यों हुई आप लोगों की तरफ से? सर इसमें प्रॉब्लम ये हुआ, इस महामारी में कहीं ना कहीं वो अधिकारी भी बिजी थे और हम लोग भी बिजी थे। अच्छा, एडमिट कराना लोगों को, लोगों की सेवाएं करना, लोगों को उनके गाँव तक पहुँचाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे मंत्री जितेंद्र वाड़ साहब के नेतृत्व में सैयद अली अशरफ भाई साहब, आनंद प्रातवे साहब, हमारे भाई शानू पठान और रूता भाभी नजीमुल्ला साहब, ये हमारे जो नेता हैं, हमारे नगर सेवक, हम सब लोग कहीं ना कहीं महामारी में बिजी थे और ये जितने अधिकारी हैं ये सब बिजी थे, लेकिन ये परेशानियों को देखते हुए आज हमने ये आवाज़। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।